दोस्तों, भारत क्रिकेट प्रेमियों का देश है, मगर पिछले 15 से 20 सालों में एक और खेल जो भारतीय दिलों में आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहा है, उस खेल का नाम बैडमिंटन है। और इस खेल में इंटरनेशनल लेवल पर भारत के एक उभरते सितारे का नाम जुड़ चुका है। महज 18 साल का जूनियर बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन का जन्म 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा नगर उत्तराखंड के ऐसे घराने में हुआ जिसे हाउस ऑफ बैडमिंटन क्रश भी कहा जा सकता है, क्योंकि लक्ष्य के दादा चंद्रलाल सेन भी बैडमिंटन के लिए अल्मोड़ा में काफ़ी फेमस थे। लक्ष्य के पापा डीके सेन भी बैडमिंटन खेलते थे और इस वक्त बैडमिंटन कोच हैं। लक्ष्य का बड़ा भाई चिराग सेन भी बैडमिंटन का इंटरनेशनल प्लेयर है, इसलिए कहा जाता है लक्ष्य सेन के खून में भी बैडमिंटन है और आबो हवा में भी बैडमिंटन है। उस समय लक्ष्य केवल 10 साल का था जब उसके बड़े भाई चिराग सेन का बैडमिंटन ट्रेनिंग के लिए प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी में सिलेक्शन होता है। अपने भाई को प्रैक्टिस करते देख लक्ष्य भी जिद करने लगा कि उसको भी बैडमिंटन की ट्रेनिंग लेनी है, लेकिन लक्ष्य की उम्र काफ़ी कम होने की वजह से प्रकाश पादुकोण सर ने उसका एडमिशन लेने से मना कर दिया। लेकिन लक्ष्य का जिद और बैडमिंटन के लिए उसके पैशन को देखकर प्रकाश सर उसको ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाते हैं। लक्ष्य के कोच विमल कुमार कहते हैं, लक्ष्य की वो बातें जो उसे बाकी प्लेयरों से अलग बनाता है वह है उसका डेडिकेशन। अगर ये किसी छोटे कॉम्पिटिशन में भी हार जाता है तो उसे काफ़ी दुख होता है। इसके अलावा ये बैडमिंटन का टेक्निकल पार्ट भी बहुत जल्दी सीखता है और उसे तुरंत अपने गेम में इम्प्लीमेंट भी कर लेता है। लक्ष्य को बचपन से ही बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था और शायद इसीलिए ये इतना मन लगाकर गेम को सीखना और प्रैक्टिस करना शुरू किया कि पीपीबीए में एडमिशन लेने के केवल एक साल बाद ही 2012 में अंडर 13 नेशनल बैडमिंटन टाइटल जीत लेता है और उसके बाद 2015 में एक बार फिर से अंडर 17 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने नाम कर लेता है। लक्ष्य के बारे में हर कोई जो तारीफ करता है वो है परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी, और इसका झलक हमें दिखाई पड़ता है लक्ष्य के लगातार एक के बाद एक टूर्नामेंट्स जीतते जाने से। ये बैडमिंटन स्टार अपने सिंसियर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के दम पर 7 ओपन इंटरनेशनल सीरीजेस या चैलेंजेस और 2 सुपर 100 टूर्नामेंट जीतकर बैडमिंटन वर्ल्ड को खुद के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। साल 2016 में इस बंदे ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप जैसे बड़े और टफ टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज हासिल किया और इसके अलावा BWF इंडिया इंटरनेशनल सीरीजेस में जीत हासिल किया। उसके बाद 2017 में एक बार फिर से इंडिया इंटरनेशनल सीरीज अपने नाम करता है और इसी साल बल्गेरियन ओपन भी जीत लेता है। लेकिन इन दोनों से बड़ी जीत इस साल जो उसको मिलती है वह था BWF की जूनियर सिंगल्स प्लेयर में वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग। 2018 में लक्ष्य सिर्फ 17 साल का होने जा रहा था जब इसने भारत के पिछले 53 सालों का इतिहास बदल दिया एशिया जूनियर चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाकर। पिछले 53 सालों में भारत का कोई भी मेन्स सिंगल्स प्लेयर ये टाइटल नहीं जीत पाया था। ये बड़ी जीत हासिल करने के बाद लक्ष्य सेन के गेम में इतना कॉन्फिडेंस आया कि साल के अंत में टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल खिताब भी अपने नाम करता है और साल 2019 में तो भारत के इस जूनियर खिलाड़ी ने कमाल कर दिया। एक ही साल में 5-5 बड़े खिताब सिर्फ 4 महीनों के अंदर ये अपने नाम करता है। पहले बेल्जियन इंटरनेशनल खिताब जीतता है, फिर डच ओपन BWF सुपर 100 टूर्नामेंट, उसके बाद सार्लोर लक्स ओपन BWF सुपर 100 टूर्नामेंट भी जीत लेता है। लेकिन अभी ये थकता नहीं है और फिर 18 दिन बाद ही स्कॉटिश ओपन, फिर उसके 18 दिन बाद ही बांग्लादेश इंटरनेशनल जीतकर भारत को लगातार सम्मान दिला रहा है। लक्ष्य सेन को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि वो इसी तरह से देश का और खुद का नाम ऊंचा करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, वी आर मोटिवेटिंग इंडिया।